हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। मैं अथर्व, आज के शो में बात करने वाले हैं एक ऐसी गाड़ी के बारे में जो मार्केट में तबाही मचा सकती है। ये है टाटा की तरफ से आने वाली उनकी पहली एसयूवी कूपे डिज़ाइन, जो है टाटा की कर्व। एक डेढ़ साल पहले इसे ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था, तब से ही इंतज़ार था इस गाड़ी का। तो आज इसे लॉन्च हो चुकी है टाटा कर्व पेट्रोल डीजल और ईवी अवतार में। तो ये है फिलहाल डीजल वाली कर्व, जो आपको तीन इंजन ऑप्शन के साथ आएगी। मतलब जो आइस वेरिएंट है वो आपको तीन इंजन ऑप्शन के साथ आएगा, जो है दो पेट्रोल की और एक डीजल की। तो आज हम देखने वाले हैं टाटा कर्व का टॉप एंड वेरिएंट, जो है डीजल मैनुअल में। तो आज हम देखते हैं इसमें क्या आपको फीचर्स है। जो भी आप फीचर्स आपको बताएं सब इस गाड़ी में पहले से ही है। तो आज हम बात करेंगे क्या इसमें फीचर्स आते हैं, क्या है, कैसा है, वो सब इस वीडियो में जानते हैं। तो पहली बात क्या है कि सबसे बड़ा चेंज मैं बताना चाहता हूँ कि टाटा की चाबी अब चेंज हो चुकी है फाइनली। जो पहले ऑलमोस्ट सेम आती थी, लगभग 4-5 साल से एक ही टाइप की आ रही थी, अब वैसा नहीं। अब यहाँ पे आपको कैपेसिटिव बटन्स दिए गए हैं, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉक अनलॉक, ये हेडलैम्प्स के लिए जो दिए गए हैं वो, या मतलब जो फॉलो मी हेडलैम्प्स, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक बूट इसमें आता है, तो वो भी आप इसी से ही ओपन कर सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना, इसे मैं अगर मैं होल्ड करके रखूँ, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ मैंने की से ही इसका इलेक्ट्रिक बूट है जो ओपन कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 लीटर का यहाँ पे आपको बूट स्पेस कंपनी प्रोवाइड करती है, जो आई गेस पूरे लाइनअप पे सबसे ज़्यादा है। और की से ही मैं इसे बंद कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो दो बार ये बीप होता है और अपने आप ये बंद हो जाएगा। 44 लीटर्स का यहाँ पे बूट स्पेस, 44 लीटर्स के यहाँ पे आपको जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आपको दिखेगी। और जो पीछे के लुक है, वाकई में ये गाड़ी इन पर्सन आपको और ज़्यादा पसंद आएगी। सबसे बड़ा चेंज आगे से ये आप देख सकते हैं नेक्सॉन, इसका एक कंपैरिजन वीडियो मैंने बना चुका हूँ, वो आप देखिए पहले। पर यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना, कर्व ईवी का मैं आपको जो पूरा हेडलैम्प सेटअप है वो ऑलमोस्ट नेक्सॉन जैसा ही लगेगा। यहाँ पे आपको दिए गए हैं स्वाइपिंग इंडिकेटर्स, यहाँ पे आप देखिए इसके हेडलैम्प जो एलईडी में है, और फॉग लैम्प भी आपको एलईडी शेप में ही दिए गए हैं। जो फ्रंट की ग्रिल है वो आपको जो नई वाली हैरियर है और सफारी है उसकी याद दिलाएगा। जहाँ पे आपको फ्रंट में यहाँ पे 2D टाटा लोगो दिया गया है। फ्रंट कैमरा इसमें 360 डिग्री कैमरा देती है कंपनी, और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको इसमें मिसिंग लगेगा। और इसमें सबसे बड़ा चेंज क्या है कि इसमें सबसे अच्छा एडिशन क्या है कि इसमें आपको ADAS लेवल 2 दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कैमरा ADAS का। तो आपको जो भी ADAS लेवल 2 के फीचर्स है, फ्रंट कॉलिजन वार्निंग, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, एमरजेंसी ब्रेकिंग, सब आपको इसमें दिया गया है। और वो सफारी और उस, अब आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे, जो इसका सबसे बड़ा एक खूबसूरत पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो कर्व की बैजिंग है वो आपको यहाँ पे नीचे दी गई है, CURVV। और इसके जो टायर्स है वो आपको प्रॉपर 18 इंचेस के दिए गए हैं, तो काफ़ी बड़े हैं, नेक्सॉन से 2 इंच बड़े हैं। एग्जैक्ट साइज़ क्या है, 215/55R18, तो इतनी बड़ी साइज़ है। फ्रंट और रियर में आपको डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं, एलॉय व्हील्स है, लगते हैं काफ़ी अलग, पर ये प्रॉपर डायमंड कट एलॉय व्हील्स आपको देती है कंपनी। पीछे भी अगर आप देख रहे हैं ना, तो पीछे भी आपको यहाँ पे दिया गया है डिस्क ब्रेक, तो ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स दिया गया है आपको, ये ग्लॉसी फिनिश में दिया गया है। और ये जो डोर हैंडल्स है ये भी नए हैं टाटा के लिए, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आपको पूरे ऐसा फ्लश टाइप के डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जिसमें आपको लाइट भी मिलती है अगर आपका डोर अनलॉक रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 360 डिग्री कैमरा का एक कैमरा। ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे आपको दिए गए हैं पैनोरामिक सनरूफ, शार्क फिन एंटीना, और जो पीछे की लुक है वो भी काफ़ी लाजवाब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे के लुक क्या ही खूबसूरत है। कर्व की आपको सिर्फ बैजिंग दी गई है, कोई वेरिएंट डीजल पेट्रोल की बैजिंग नहीं दी गई है। पीछे आप देख सकते हैं पीछे के लुक्स पे ही सब लोग फिदा होंगे, और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो एसयूवी जैसी ही है। कूड़ोस टू टाटा ये डिज़ाइन ट्राई करने के लिए। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ना, तो ये रियर कैमरा है, और पार्किंग सेंसर्स भी आप देख सकते हैं, एक और दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं। और ये पीछे के लुक पे मैं तो फिदा ही हो गया, इतना अच्छा इसका जो रियर का लुक है वो है।
की बात कर लेते हैं, ये है सेम 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो आपको नेक्सॉन में दिखेगा, सेम 115 bhp और 260 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, जो माइलेज है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, 23 की माइलेज क्लेम करता है टाटा, तो आप आराम से 18 से 20 की माइलेज आप इसमें से आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि डीजल में आपको इसकी फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और ऊपर अगर आपको लग रहा है बहुत आवाज़ आ रहा है, तो यहाँ पे आपको इंसुलेशन भी दिया गया है, और जो ये है ना बूट का हुड की जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा भारी है गाड़ी, और ये आराम से 5 स्टार क्या 6 स्टार भी ला सकती है सेफ्टी में, इतनी ज़्यादा मजबूत ये गाड़ी लगती है इनकी दरवाज़ों और इसके वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीजल इंजन है, 2 पेट्रोल इंजन आते हैं, उसकी वीडियो में जल्दी लाऊंगा। बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, फीचर्स नहीं स्पेस, क्योंकि ये जो शेप है वो काफ़ी ऑड है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे लाइट है, तो देखते हैं इसमें स्पेस कैसा है। तो ये सीट पूरी तरह पीछे है, और मैं आपको इसका हेडरूम दिखाता हूँ कैसा है हेडरूम। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, मेरी हाइट ऑलमोस्ट 5'8" है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा हेडरूम है, पर जो 6 फुटर रहेगा उसका थोड़ा सा सिर यहाँ पे लग सकता है, तो वो एक बात है कि कट तो किया है यहाँ पे, एक थोड़ा सा कट तो दिया है, पर यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ना, मैं आराम से यहाँ पे बैठा हूँ, ये सीट इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, पर इतना सीट कोई पीछे करके नहीं बैठता है, तो एक बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक प्रॉपर USB और एक टाइप सी का पोर्ट दिया गया है AC वेंट्स के साथ, तो एक अच्छी बात है कि उसका ख्याल रखा गया है कि अमेनिटीज़ काफ़ी अच्छी दी गई है। हैंड रेस्ट यहाँ पे आपको दिखेगा, और 2 यहाँ पे आपको दिए गए हैं हेड रेस्ट एडजस्टेबल, ना कि 3, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैसा कुछ है। एयरबैग्स आपको 6 एयरबैग्स बेस वेरियंट से ही आपको 6 एयरबैग्स आते हैं, तो एक बात अच्छी है कि यहाँ पे आपको कोई कमी वैसे नहीं लगेगी। ऑल इन ऑल आपको स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर मैं आप मेरे हाइट के हो, थोड़े ऊंचे हो, तो आप एक बार जाके शोरूम में देख आइए। यहाँ पे अब बात करते हैं मेन जो फीचर्स है, यहाँ पे ऑड जगह में आपको यहाँ पे इसका रिक्वेस्ट सेंसर देती है कंपनी, जिसे आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली आपको यहाँ पे एडजस्टेबल सीट्स दिए गए हैं, ये वेंटिलेटेड सीट्स हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको सब वेंटिलेशन के फंक्शंस दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको लेदराइट सीट्स दिए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। इंटीरियर आपको थोड़ा सा सिमिलर लग सकता है नेक्सॉन से, तो एक बात है कि वो थोड़ा पार्ट शेयरिंग यहाँ पे हुआ है, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये जो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर सफारी से आया है, जो 12 इंच की टच स्क्रीन है इनकी, आई गेस नेक्सॉन EV में आती है वही है। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है, तो उसे हम प्रेस कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा बड़ा इसका टच स्क्रीन लगता है, ये अराउंड 12.5 इंचेस का है, और ये फुल्ली डिजिटल आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंपनी देती है, जिसमें आपको ADAS के फंक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट करने के लिए ये लेन की असिस्ट वो सब दिए गए हैं, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं TPMS वो सब आप इधर से ही चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे नहीं कि वो मारुति जैसा कोई दंडी दे दी। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना, सब कुछ आपको इसी में दिखेगा, एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले का जो मैप है वो भी आप इसमें देख सकते हैं, आई गेस एप्पल कारप्ले का देख सकते हैं, एंड्रॉयड के मैप्स यहाँ पे नहीं दिखते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑटो वाइपर्स दिए गए, मतलब रेन सेंसिंग वाइपर्स है, यहाँ पे आपको दिए गए इसके ऑटो हेडलैम्प्स, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना, तो ये इसका डे नाइट वाला IRVM ऑटोक्रोमिक, और ये इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट जो है सनरूफ, जो आप वॉइस कमांड से भी ओपन कर सकते हैं, तो पैनोरामिक सनरूफ इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये पूरा सिस्टम ओपन होता है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं सब टच कंट्रोल्स है, थोड़े से यूज़ करने में दिक्कत हो सकती है गाड़ी चलाते वक्त, और ये आप देख सकते हैं इसका डीजल ट्रांसमिशन, जो आपको मैनुअल और 7-स्पीड के DCA ट्रांसमिशन, फर्स्ट टाइम डीजल में भी आपको ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन दिया गया है। काफ़ी अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो 12V का चार्जिंग सॉकेट, एक USB और टाइप सी, ये ऑटो पार्किंग ब्रेक, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है वो है ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ, 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं सिटी और स्पोर्ट। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको दिया गया है ओके, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का पैड भी दिया गया है, तो वो अच्छी बात है कि वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस एंड ऑटो कारप्ले, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं आप फोन अपना चार्ज कर सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग थोड़ी स्लो होती है, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अंदर अच्छा स्पेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ये आर्मरेस्ट स्लाइड तो नहीं हो रहा है अभी मेरे से, तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे डैशबोर्ड का लुक है, और इसका जो ग्लव बॉक्स है वो भी एज़ पर टाटा स्टैंडर्ड सबसे बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेर की एक ड्राइंग की गई है, दो कप होल्डर्स, पेन रखने के लिए एक छोटी सी बुक, और सब कुछ आपको यही का यही मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम डोर हैंडल्स दिए गए हैं, इसका जो ORVM है उसे भी कंट्रोल करने के लिए आपको सब बटन्स दिए गए हैं। तो इसमें एयरबैग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिया गया है मिरर। यहाँ पे आपको मिरर नहीं मिलता था, यहाँ पे एक मिरर एक्सपेक्टेड था, पर इसमें आपको मिरर नहीं दिया गया, सिर्फ एक टिकट होल्डर कंपनी देती है। ये इसके जो कैबिन लाइट्स है वो भी हैलोजन में ना होकर LED में दिए है, तो एक अच्छी बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सिमिलर सा लगेगा आपको इसका जो इंटीरियर है नेक्सॉन से, तो यही मतलब ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आपको हैरियर की याद दिला गया ये जो डिज़ाइन है, पर जो लेआउट है वो नेक्सॉन जैसा दिखेगा, तो दोनों का मिक्सचर है काफ़ी बीचों बीच। सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको JBL का स्पीकर सिस्टम दिया गया है, बॉटल रखने के लिए स्पेस, तो एक बात है कि काफ़ी अच्छा मतलब प्रीमियम तो दिखती है गाड़ी, आप ऑलमोस्ट एक हैरियर की हाइट पे बैठे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तो यही थी इसकी वीडियो, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।